तिगांव विधानसभा क्षेत्र के बड़ौली गांव के राजकीय उच्च विद्यालय की जर्जर स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों एवं अभिभावकों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित किया गया है, जिसके पश्चात स्कूल के बच्चे खुद टूटे फूटे बेंच को ट्रैक्टर में भरकर दूसरे स्कूल में ले जाते हुए दिखाई दिए। चलिए जानते हैं स्कूल की ऐसी जर्जर हालत को लेकर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का क्या कहना है। आज स्कूल में ये डेंजर जोन लिखा है ना, ये बहुत गंभीर मात्रा में एक बल्ली कभी भी गिर सकती है। छत खराब हो पड़ी है, स्कूल में बारिश आती है, पानी भर जाता है, 6-6 दिनों तक छुट्टी हो जाती है, 10-10 दिन स्कूल बच्चे नहीं आते। पर ऐसा आज तक कुछ रिपेयरिंग होती है जो अपने मैम अपने पैसों से कराती हैं। ज़्यादातर जो भी काम होता है मैडम अपने पैसों से कराती है। पेंट होता है भारी हो जाता है, अंदर कुछ नहीं होता। बच्चे ठंड के मारे में कमरे गले पड़े हैं, मतलब करी गिर सकते हैं। ऊपर से ईंट रखे उनके ऊपर, ये कभी भी गिर सकते हैं। गिर भी गया ऐसे पर बच्चा ऐसा हादसा होनी है हो जाएगा। कि आप वहाँ पढ़ लेना, और अब दो शिफ्ट कर दिए, पहले एक ही शिफ्ट थी, अब दो शिफ्ट कर दिए। 6 to 10 12 बजे तक आएंगे सुबह 8 से, और छोटे बच्चे उसके बाद आएंगे शाम तक पढ़ेंगे। तो ये स्कूल टूटने वाला है, इसलिए हमें वहाँ भेज दिया है। यहाँ पढ़ने में बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हमें वहाँ भेज दिया है।